ब्रिटेन में एक महिला को कंपनी ने नौकरी से केवल इस वजह से निकाल दिया क्योंकि वो गर्भवती हो गई थी। इसके बाद ये महिला कंपनी के खिलाफ जब कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने महिला को 14,000 पाउंड यानी लगभग 14.5 लाख रुपयों का भुगतान करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि ये घटना ब्रिटेन के कैंट शहर से सामने आई है। की प्रमोशनल लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने जूलिया किमिचेवा मैगजीन फिनिशर के तौर पर काम करती थी। ये कंपनी किताबों और मैगजीन्स की पैकिंग का काम संभालती है। जूलिया किमिचेवा ने अपनी मैनेजर कैरोलिया एडवर्ड्स को बताया कि वे गर्भ से हैं और ऐसे में उन्हें कुछ समय के लिए ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। हालांकि यूलिया की मैनेजर कैरोलिन ने कहा, फिलहाल मैं काफ़ी व्यस्त हूं और तुम इससे पहले भी प्रेग्नेंट होने की वजह से छुट्टियां ले चुकी हो। इसके कुछ ही दिनों के बाद कैरोलिन ने ईमेल के माध्यम से जूलिया को बर्खास्त करने का फैसला सुनाया। कैरोलिन ने लेटर में ये भी कहा कि यूलिया का काम काफ़ी औसत था और उनकी ऑफिस में अटेंडेंस भी काफ़ी कम हो चुकी थी। इस वजह से कंपनी ने जूलिया किमिचेवा को निकालने का फैसला लिया है। यूलिया किमिचेवा कंपनी के खिलाफ कोर्ट में स्टेटमेंट देते हुए कहा कि गर्भवती होने के कारण मैं काम करने में असमर्थ थी, लेकिन इस बारे में कैरोलिन ने कहा कि हम कोई चैरिटी संस्था नहीं है जो बिना काम के वेतन दें और हमें काम की परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों को रखने या निकालने का हक है। कोर्ट में इस मामले पर बात करते हुए एम्प्लॉयमेंट जज ने कहा कि कैरोलिन को यूलिया किमिचेवा की गर्भवती होने के बारे में जानकारी थी, लेकिन कंपनी ने यूलिया को जिस तरह से निकाला है वो काफ़ी अनुचित है और इस मामले में कोर्ट आदेश देती है कि कंपनी महिला को 14,000 पाउंड करीब 14,50,000 रुपये का भुगतान करे। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहें। न्यूज़ को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।